हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थर्टीज रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ ईगल ओवरसीज एजुकेशन सेंटर में, जहाँ पे आईलेट स्टडी और स्टूडेंट वीज़ा का कामकाज होता है। स्टूडेंट वीज़ा और आईलेट स्टडी के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं मेरी कज़िन, जो आज वेल सेटल है कनाडा में और फाइव स्टार होटल में शेफ है। उसने यहाँ से एजुकेशन लिया था और आज बहुत ही अच्छे से सेटल हो गई है। तो उसी ने मुझे ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि मेरे सब्सक्राइबर को भी ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहिए, जो लोकेटेड है गांधीनगर में। तो आइए देखते हैं अंदर से इंस्टीट्यूट कैसा है और मिलते हैं फैकल्टी से और उनके ऑनर से। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। ये लोकेटेड है गुजरात गांधीनगर में और गांधीनगर का राजमुकुट ऐसा कुरासन एरिया है। तो आइए चलते हैं किरण भाई के पास और बोलते हैं उनको कि उन्होंने कैसे ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप की है और कैसे इसे चलाते हैं ये लोग। हेलो किरण भाई, किरण भाई हम जानना चाहते हैं कि आपने ये एजुकेशन बिजनेस कब से स्टार्ट किया और आपका मोटिवेशन क्या था ये एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। ऐसा है मैडम कि जब 2007 में जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, जब मेरा भी सोचना था कि मेरे को भी फॉरेन जाके एक अच्छे कंट्री में जाके सेट होना है, वहाँ पे जाके स्टडी करना है। उस टाइम पे जब मैं गांधीनगर में घूमा तो दो तीन ही इंस्टीट्यूट थे जो आईलेट्स का कोचिंग करवाते थे। मेरा एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेके मैंने वहाँ पे आईएलटीएस का कोचिंग लिया, उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम दी, लेकिन मेरे को डिज़ायर्ड बैंड नहीं आए, क्योंकि ये आईएलटीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बेसिक से लेके टॉप तक आपका इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर मेरा डिज़ायर बैंड न आने की वजह से मैं विदेश नहीं जा पाया, और फिर किसी और कंसल्टेंट ने बताया कि मैं इतने बैंड में भी कर सकता हूँ, जो एक गलत माहिती मेरे को बहुत सी जगह से मिली। मेरी प्रेरणा ही ये रही कि मेरे को इस लाइन में इसलिए जाना है कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं, जिसके कम बैंड आए थे, जिसको फॉरेन जाना है, नहीं जा सकता था, फिर भी लोगों ने बताया कि तेरा हो जाएगा, तू हमारे साथ आ जा। तो मैंने बहुत से पैसे गंवा दिए वहाँ पर। और लाइफ में होता है ना कि एक स्टेज पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि अभी मैं क्या करूं, पैसे भी लुटा दिए, इंडिया में कुछ पढ़ाई नहीं कर पाया, आगे का एडमिशन नहीं ले पाया। फिर उसके बाद मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई लोगों को एक अच्छी तरह से उनको मिले कि भाई फॉरेन जाना है तो ये तुम्हारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना तो तेरे को करना ही पड़ेगा, जो मेरे को किसी ने नहीं समझाया था। मेरे को तो ये समझाया था कि तेरे पास जो है वो बहुत है, उसमें तेरा हो जाएगा, और मेरा पैसा वहाँ पे डूब गया। फिर मैंने ऐसी एक वीज़ा कंसल्टिंग में 6 महीने के लिए जॉब किया, वहाँ पे भी मैंने देखा तो वहाँ पे भी सेम बच्चे आते हैं, लेकिन उसको जो प्रॉपर होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन वो तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने खुद का ईगल ओवरसीज शुरू करना सोचा, सेक्टर 21 गांधीनगर में एक 10x10 के कमरे में मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला था। वहाँ पे भी मेरे पास कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं था कि जो आईलेट्स का कोचिंग दे सके, तो मैंने वहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन वीज़ा का ही काम शुरू किया कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आपको कौन से कंट्री के लिए जाना चाहिए और आपके बैंड्स में कहाँ पर हो सकता है। अगर आपके बैंड्स कम है, आपका एजुकेशन लो है, तो मैं आपको सीधे ही मना कर दूंगा कि भाई आप कहीं भी मत घूमिए, लेकिन ये चीज़ है कि आपको प्रॉपर माहिती मैं दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मेरा शुरू हुआ तो धीरे 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 मेरे पास स्टूडेंट आते गए, उनके रेफरेंस से मेरा काम बढ़ता गया। अभी हाल ही में ही ये मेरा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर गांधीनगर के मेयर और नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एवीपी वो मेरा इंस्टीट्यूट का ओपनिंग करके गए। उन लोग भी जानते हैं कि मैंने कहाँ से स्ट्रगल किया था। मेरा मोटो यही है कि हर एक बच्चे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले फॉरेन जाने के लिए, स्टडी करने के लिए। हम जिन बच्चों को फॉरेन जाने के लिए लोन्स की ज़रूरत रहती है,
तो गवर्नमेंट साथ बहुत सी स्कीमें चला रही हैं जिनमें आपको फॉरेन स्टडी के लिए वो लोन हो सकता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कोई आपको देता नहीं है। हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट की भी पॉलिसी को आपके साथ रखें, एक अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ पे बेसिक से इंग्लिश का ट्रेनिंग मिले और फॉरेन जाने के लिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले। कोई चार्जेस हम उस लिए नहीं रखते हैं। आप आइए, दो दिन हमारे डेमो लेक्चर में बैठिए। हमारे इंस्टीट्यूट के जो पढ़ाने वाले प्रवीण डबीर है उनसे दो दिन का आप डेमो लेक्चर लीजिए, आपको अच्छा लगे तभी आप फीस पे करिए। इस मोटो से ये इंस्टीट्यूट का हमने ओपनिंग किया है। वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छा आपका विजन जो है, बच्चों को क्लियर आप दिखाते हो रास्ता, बहुत ही अच्छे से आपने ये एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया है। सर, क्या हम आपकी फैकल्टी और आपके क्लासरूम देख सकते हैं? चलिए चलिए, अभी हम आ गए हैं मेरे इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी कम कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्सेप्ट आप गांधीनगर में कहीं ढूंढेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह पे और इतना क्लियर कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारा पूरा IELTS का मटेरियल रखा हुआ है बच्चों के लिए, कुछ भी वो लोग प्रैक्टिस करना चाहे तो यहाँ बैठ के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे वीक है, जिनको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा चाहिए, उनके लिए हमारे टीचर्स उनको एक्स्ट्रा टाइम में उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। IELTS कोचिंग के लिए जो भी इंग्लिश का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी आपको बुक्स चाहिए, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हमने करवाए हैं। अभी बहुत से बुक हमने ब्रिटिश से वहाँ से मंगवाए हैं, जो बहुत ही जल्द हमारे लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आराम से अपने 2 घंटे पढ़ाई के बाद भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद हमारा अगर कुछ आपके मन में डाउट्स है तो हमारे टीचर्स वो डाउट आपके क्लियर करेंगे। अभी हम पहुंच गए हमारे इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में। पूरा आज के ज़माने का क्लासरूम है बच्चों के लिए। इतना बड़ा क्लासरूम है फिर भी हम 15 ही बच्चे इसमें अलाउ करते हैं एक बैच में, तो हर एक बच्चे पे प्रॉपर सर का ध्यान रहे। हमारा जो IELTS का पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं वो प्रोफेसर को बुलाऊंगा मैं। सर, ये प्रवीण डबीर जी हैं जो 10 साल से इस लाइन में लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को IELTS में ज़्यादा स्कोर कैसे लाए और कम मेहनत पे, जैसे कि हमारा 1.5 घंटे का क्लास रहता है, उसके बाद भी सर कभी भी उनका अगर कुछ डाउट्स है तो अवेलेबल रहते हैं। तो सर बताएंगे कि हमारे क्लासरूम की विशेषताएं क्या हैं। थैंक यू। यहाँ पे ये जो क्लासरूम आप देख सकते हैं, मेन थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको गांधीनगर में, इनफैक्ट मे बी अहमदाबाद सिटी में भी आपको कहाँ भी नहीं मिल सकता है। एंड मोर ओवर मैंने यहाँ पे बहुत सालों से हूँ इसी फील्ड में, मैंने देखा यहाँ पे जितना भी इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ही पढ़ाते हैं। सो विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी व्हाट वी मेंटेन हियर। एंड मोर ओवर हियर वी बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टूडेंट्स बैंड्स, सो वी टीच द परफेक्ट वे हाउ दे कैन अचीव द डिजायर्ड बैंड हियर। दैट्स व्हाट आवर मोटो, वी आर नॉट हियर टू जस्ट टीच देम समथिंग एंड लेट देम गो आउट, नॉट लाइक दैट। हम लोग जो भी हैं, हमारा मेन मोटो है नाम कमाना। हम लोग दूसरे इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, मेन थिंग हम लोग स्टूडेंट का उसका फ्यूचर के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो हम लोग यहीं पर रहते हैं और हमारा मोटो यही है स्टूडेंट को सर्व करना पूरा दिन। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कितने अच्छे से ये लोग पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये है उनका वेटिंग एरिया और बहुत ही अच्छे से उनका एम्बियंस भी है, स्टूडेंट को भी पीसफुल एकदम पढ़ाई करने का मौका मिलता है और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो देखते रहिए मेरा चैनल 33 रेसिपी, ऐसी ही नई नई जगह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।